1.5 meters and 1.47 meters respectively at room temperature of 27 degree celsius to what temperature the iron ring should be heated so that it can fit the rim of the wheel provided the coefficient of linear expansion or alpha for iron is 1.2 into 10 this to minus 5 per kelvin सो so, इसी स्टोरी को एक डायग्राम के साथ समझते हैं सो वी हैव आ डायग्राम एंड इसमें वी हैव अ व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट सो हमारा जो बुलक कार्ट का व्हील है उसके इस पार्ट को हम रिम ऑफ द व्हील बुलाते हैं एंड अगर आप कभी गांव या विलेज वगैरह में गए होंगे एंड इफ यू वर टू नोटिस अ बुलक कार्ट सो उसका व्हील जो है दैट इज मेड अप ऑफ वुड बट इस वुडन व्हील के अराउंड ना एक मेटल का स्ट्रिप लगा होता है एक रिंग लगा होता है

सो so हम इंश्योर करते हैं कि इस आयरन रिंग का डायमीटर ऐसा हो दैट सो दैट इट इज लेस देन दी वुडन रिंग का डायमीटर एंड देन हम क्या करेंगे हम इस रिंग को हीट करेंगे एंड व्हेन वी हीट हमें पता है कि दिस आयरन रिंग वुड एक्सपांड एंड वी वुड कीप ऑन हीटिंग अंटिल ये रिंग का जो डायमीटर है दैट इज इक्वाल टू दी डायामी ऑफ आर व्हील एंड देन वो रिंग को हम व्हील पर प्लेस कर देंगे एंड देन वी अलाउ इट टू कूल सो वेन वी कूल इट सो so, ये रिंग जो है वो इट स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट और कंप्रेस एंड बिकॉज ऑफ विच जो है ये इस व्हील को जो है बड़े ही टाइट तरीके से जॉइंट हो जाएगा एंड वी डी नॉट टू यूज एनी ग्लू या एनी नेल फॉर दिस अटैचमेंट वी जस्ट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज दर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टू डू आर जॉब सो इट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट टेक्निक तो नाउ इसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है डेटा दिया गया है एज यू कैन सी हमें जो है डायमीटर दिया है वुडन रिंग का और आयन रिंग का एंड वुडन रिंग का डायमीटर इज ग्रेटर स्लाइटली ग्रेटर देन हमारे आयन रिंग का डायामीटर एंड देन हमसे पूछा है कि अब इस आयन रिंग को हम हीट करेंगे तो दैट उसका डायमीटर बढ़ जाएगा एंड उसे प्लेस कर देंगे वूड वुडन व्हील पर बट वॉट टेम्परेचर तक हीट करना है ठीक है वेर दिस प्रोसेस कैन बी अचीव सो दैट्स वॉट वी हैव टू फाइंड एंड नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि क्या क्वेश्चन में हो रहा है अब हम जो है इस क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सो लेट्स मूव ऑन सो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट ऑल द डेटा गिवन टू अस। ओके सो द फर्स्ट सेट ऑफ डेटा जो हमें दिया है दैट इज द डायमीटर्स। ओके तो हमें दिया है डायमीटर ऑफ वुडन रिम और वुडन व्हील इज 1.5 मीटर्स एंड सिमिलरली हमें आल्सो दिया है डायमीटर ऑफ आवर आयरन रिंग सो लेट मी कॉल इट डी आई and this is said to be 1.47 meters as you can see it is slightly less than our wheel diameter iskalaava hamejo hai that is the temperature so temperature uh, uh, that is the temperature at which uh, ring is kept initially so yeah our initial temperature hoga. so let me call it t1 and ye hai as 27 degree celsius apart from this we also know the coefficient of linear expansion for alpha so alpha of i n is said to be 1.2

अप एल वन इन टी टू माइनस टी वन ठीक है एंड दैट्स वॉट वी हमें जो है टी टू ढूंढना है दैट इज द टेम्परेचर सो ये फॉर्मूला तो यूज़ करना है ये हमें पता है बिकॉज एल्फा आ गया टी वन आ गया बट एल टू वन क्या होना चाहिए सो दैट्स वॉट वेयर वी हैव टू थिंक क्या एल टू एल्वन लिखेंगे सो so दैट हमारा फॉर्मूला जो है वो करेक्ट आंसर देगा हमें नाउ वी हैव टू कीप इन माइंड कि वी आर हीटिंग द रिंग एंड नॉट द व्हील सो

डायामीटर ऑफ द व्हील विच इन दिस केस इज गिवन टू अस एज वन पॉइंट फाइव मीटर तो नाउ जब हमारे पास एल वन का वैल्यू है एल टू का वैल्यू है अल्फा का वैल्यू है टी वन का वैल्यू है तो अब ये फॉर्मूला इज पी टी स्वीट फॉर एस एंड देन हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन जो है दैट इज हमें टू फाइंड होना है तो पता ही है कि वी हैव टू फाइंड दी टेम्परेचर टेम्परेचर टिल विच

So in second, I'm writing the rearrange formula. So if I were to rearrange this formula, T2 can be written as if I were to shift the decimal places. So T2 minus T1 goes here, alpha comes here. So it would be L2 minus L1 upon L1 into alpha. And since par ek T1 minus me RHS pe jaega, so it would be T1. So this is the formula, rearranged formula to calculate T2. ंग दमुला नंबर वन कुछ नया नहीं किया है बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हुआ है एंड नाउ इफ यू नोटिस की सारे क्वान्टिटीज का इंफॉर्मेशन या वैल्यूज हमें फ्री गिवन है सो सिंपल सब्सिट्यूशन शुड गिव अस देशर टिल विच वी शुड हीट आर आय रिंग सो आई कैन से फ्रॉम फॉर्मूला नंबर टू वी गेट दैल्यू ऑफ दर डिजायर टेम्परेचर सो टी टू इज इक्वल टू एल टू माइनस एल वन अपॉन एल वन इंटू एल्फा प्लस टी वन सो एल टू का लेंथ हमने पता है इज़ वन पॉइंट फाइव एल वन इज़ वन पॉइंट फोर सेवन वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फोर सेवन एल वन इज़ वन पॉइंट फोर सेवन इंटू एल्फा फॉर आयन इज़ वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू माइनस फाइव एंड टी वन का वैल्यू इज़ ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्शियस ओके

For further calculation, but for the video purposes, we'll skip that process. So for further calculations, and we directly answer. per arrive. Ho so if you were to calculate all this stuff, your quantity hai, that comes out to be seventeen hundred point seven plus twenty seven, and then we do a simple addition, we get one seven two seven point seven. So this is the temperature.